गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फिगर गिवन है और उसमें बोल रखा है कि ए बी और डी पैरेलल है। आपकी जो ए बी है और ये डी आपस में पैरेलल है। एंगल बी ए सी की वैल्यू 35 दे रखी है, बी ए सी 35 डिग्री और सी डी ई की वैल्यू दे रखी है हमें 53 डिग्री और हमें फाइंड करना है डी सी डी सी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आपको पता है, ये दोनों आपकी पैरेलल लाइनें हैं, ये ट्रांसवर्सल है तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। तो इसका नाम हम लिखेंगे एंगल सीईडी। तो प्रूफ हम लिखते हैं एंगल सीईडी इक्वल टू सीईडी की वैल्यू, ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, इस एंगल का नाम आपके पास क्या है बी ए सी, एंगल बी ए सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। So, एंगल जो सीई डी की आपकी वैल्यू जाएगी, बी ए सी की वैल्यू कितनी थी 35, तो ये भी आपके पास 35 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास ये एंगल हमारे पास 35 डिग्री आ गया और हमें पता है इसमें ट्रायंगल एंगल से प्रॉपर्टीज यूज होते हैं, हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल सीई डी बाय यूजिंग ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो सबसे पहले इसी एंगल का नाम लिखते हैं एंगल डीसी, एंगल डीसीई प्लस इसका नाम लिखेंगे सीडी प्लस इसका नाम लिखेंगे सीईडी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें डीसी की वैल्यू निकालनी है इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस सीडी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 35 डिग्री, सी डी ई 53 डिग्री प्लस सीडी वैल्यू मेरे बारे में 35 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई प्लस 53 और 35 जाएगा 88 इक्वल टू 188 डिग्री। सो एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 माइनस 88, अगर इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 92। सो हमारे पास जो एंगल डी सी ई है आपका, ये हमारे पास 92 डिग्री आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें फिगर गिवन है, इस फिगर में जो हमारे पास पीआरटी एंगल है वो 40 डिग्री है, आरपीटी आरपीटी वाला एंगल 95 डिग्री है और टीएसक्यू हमारे पास 75 डिग्री है और हमें फाइंड करना है एसक्यूटी, ये एंगल फाइंड करना है, राइट। तो बहुत सिंपल है, ये भी पहले हम पी आर टी ट्रायंगल में ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ये जो एंगल है जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा वो बताए वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से, और ये एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा। तो इसमें हम फिर से ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और हम इसका ये वाला एंगल फाइंड कर देंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल पी आर टी पीआरटी ट्राइंगल में हम पहले लिखेंगे बाय ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो लिखेंगे एंगल पीआरटी प्लस एंगल पीटीआर प्लस एंगल आरपीटी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। पीआरटी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 40 डिग्री, प्लस पीटीआर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस आरपीटी हमारे पास 95 गिवन है इक्वल टू 180। तो आपका जो पीटीआर होगा इक्वल टू 180, देखिए 40 और 95 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 135 डिग्री जाएगा, उधर के माइनस का 135 हो गया, राइट। और उसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो पीटीआर है वो आपका कितना हो जाएगा 5 और आपका 45 डिग्री, राइट। तो इट मीन हमारे पास ये 45 डिग्री आ गया, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम लिखेंगे एंगल एस टी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एस टी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, अब से हम ये चीज इसमें ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल
STQ by triangle angle sum property. Triangle angle sum property का तीन एंगल का नाम लिख लेते हैं, एंगल एस टी क्यू ये एंगल, एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस ये वाला एंगल एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री. एस टी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45, टी एस क्यू हमारे पास कितना 75 प्लस एस क्यू टी एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री राइट. अब इसको ऐड करते हैं और सर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री कितना होगा ऐड करेंगे तो 120 राइट. सो एंगल एस क्यू टी जो आपका आएगा माइनस करेंगे कितना आएगा 60, तो आपकी एस क्यू टी की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री राइट. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक फिगर गिवन है, हमें गिवन देखते हैं कि जो PQ है और PS है वो PQ और जो PS है परपेंडिकुलर है राइट. PQ पैरेलल SR, जो PQ लाइन है और जो ये SR जो लाइन है ये भी आपके ये परपेंडिकुलर रखे हैं PQ और PS, और PQ और SR आपके पैरेलल रखे हैं. और SQR की वैल्यू देखिए हमें SQR में देखते हैं 28 डिग्री और QRT में देखते हैं 65 डिग्री और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है राइट. तो सॉल्यूशन देखिए इसका ये बहुत इजी है. सपोज हमारे पास ये लाइन नहीं होती, इसको हटा देते हैं. देखिए ये पूरा एंगल है PQR, एंगल PQR इक्वल टू एंगल QRT के इक्वल होता है QRT. क्यों? ये आपकी लाइन ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये आपके एंगल इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से राइट. अब देखिए इसको फिर से थोड़ा लेते हैं. अब हमारे पास जो PQR होने का ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है और ये एंगल है ये आपके पास इक्वल होंगे क्यों बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. अब हमारे पास हम PQR को लिख सकते हैं x प्लस 28 क्योंकि ये x और 28 मिलके आपका पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा. तो यहां लिखेंगे x प्लस 28 इक्वल टू QRT के यहां लिखेंगे 65 ठीक. सो x इक्वल टू अगर 65 माइनस का 28 करेंगे तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 37. तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 37. अब हमें y की वैल्यू निकालनी है. सब अब देखिए अब इसको सबको बोल जाते हैं ये देखिए आपके पास ये ट्राइंगल है PQS. इन ट्राइंगल PQS इस PQS ट्राइंगल में हम ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं बाय ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी. ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखिए क्या होगा x प्लस y प्लस और ये एंगल कितना है 90. x प्लस y प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री. x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं वो आपके पास है 37 प्लस y प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री. 37 और 90 को ऐड करते हैं आपका 127 हो जाएगा और साइड से शिफ्ट करेंगे नेगेटिव का बन जाएगा 180 माइनस 127 और इसको हम माइनस करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 63 टेंस थ्री और सेवनटीन में से टू जाएगा ये आपका आ जाएगा 53. सो ऐसे हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है. एक्स की वैल्यू 37 है और वाई की वैल्यू 53 है. आज के लिए तीन क्वेश्चन काफी है, कल हम इसके नेक्स्ट दो क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.